बस बोल ही तो रखा है और अच्छा कोई बात नहीं। प्यार क्यों प्यार से प्यार से अब प्यार ले जा रहे प्यार ले जा रहे नहीं वो प्लेट सुनो तो मैं यहीं से ऐसे ही चले जाता हूँ बस ठीक है बस मुंह से ही तो बोल रहा है बहुत हो गया सर मैं बोल चुका हूँ मैं बार बार क्या बोलूँ सर मेरे बोलने के लिए सर मेरे को पता नहीं पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रहे हैं मैं बस बोल रहा हूँ कि कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं बस क्या अरे सर ऐसे मैं कुछ बस बोल ही तो रखा है और कुछ कोई बात नहीं प्यार क्यों प्यार से प्यार से अब प्यार ले जा रहे हैं सुनो तो मैं यहीं से ऐसे ही चले जाता हूँ बस ठीक है बस मुंह से ही तो बोल रहे सर मैं यहीं से वापस चले जाऊंगा नॉर्मल बोल रहे थे आप जो आप बोलने जा रहे बोलते बोलते चलिए ना बताइए क्या बोल रहे थे आप और बोले जा रहे हैं बताइए क्या अभी नॉर्मली से तो बात करी कि क्या बोलते हैं जो बीजेपी आरएसएस जो कर रही है मुस्लिम्स के साथ उसके अगेंस्ट बस आवाज ही तो उठाने आए हैं हाँ यही हूँ मैं दिल्ली का ही हूँ यही रहता हूँ नॉर्मली मैं बोल चुका हूँ मैं अभी और नहीं बोल रहा आप क्यों एक इंसान को विक्टिमाइज कर रहे हैं जबरदस्ती नॉर्मल इंसान हूँ मैं आप सबको तो ले गए आप बस में आप मैं नॉर्मल सी बात रख रहा हूँ इसमें ले जाने की क्या बात है मैं अपना वापस चले जाऊंगा नॉर्मल मैं कुछ मैं कुछ थोड़ी कुछ गलत काम कर रहा हूँ हाँ चलो चलो बंद करो आप खुद से जाने ऐसी बैठो ऐसी आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से एक व्यक्ति है जो यहाँ पर प्रदर्शन के जो प्रदर्शनकारियों में मौजूद नहीं था लेकिन उसके हित में ही बात कर रहा था लेकिन उसको पुलिस वाले किस तरीके से लेके जा रहे हैं आप सामने देख सकते हैं देखा आपने किस तरीके से भी पुलिस की मनमानी भाई नाम क्या है आपका आपका नाम तो बताइए हाँ जी पीयूष नाम नाम क्या अच्छा आप क्या बोल रहे थे सर सर मैं बोल चुका हूँ अब मैं बार बार क्या बोलूँ सर मेरे बोलने के लिए सर मेरे को पता नहीं पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रहे हैं प्रदर्शन में मौजूद थे हाँ प्रदर्शन में बस दो मिनट लेट हुआ नॉर्मल प्रदर्शन ही करना था बेस सिंपल सा आवाज ही बस उठा रहे और कुछ भी नहीं करना चलिए देखा आपने किस तरीके से ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है लगातार उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है जो सरकार हक में नहीं बोलते हैं सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलते हैं तो उनको किस तरीके से ठूस लिया जाता है किस तरीके से भर लिया जाता है गाड़ियों में यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स मौजूद थी मैंने एक पुलिस वाले से पूछने की कोशिश की कि सर क्यों लेके जा रहे हैं उसको तो उन्होंने बताया कि हमारे साहब बताएंगे कुछ कहने की अवस्था में ही नहीं थे पुलिस वाले साहब तो जो है अभी लगातार उनको जो है ले जाया गया है और एक व्यक्ति था जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहा था प्रदर्शनकारी जो आए थे वो सही कर रहे थे और मैं उसी चीज़ के लिए बस अपनी आवाज़ उठा रहा था तो ये लोग मुझे घेर कर पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं और उसको गाड़ी में भर लिया गया आपने सामने देखा किस तरीके से देश में अब बोलना गुनाह हो चुका है सही बोलना गुनाह हो चुका है कहा जाए तो कोई भी अगर हक अधिकार की आवाज़ उठाता है तो उसको कैसे दबा दिया जाता है आप सामने देख सकते हैं इसी तरीके से देखते रहिए मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा उत्तर प्रदेश भवन नई दिल्ली।